रामायण के अनुसार रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों हुआ था। रावण दुनिया का महान विद्वान था। रावण के मरते वक्त भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण नीति और शक्ति का महान ज्ञाता है, ऐसे समय में तुम्हें महान ज्ञानी रावण से सफल जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम ने आखिर लक्ष्मण को रावण के पास क्यों भेजा और रावण ने लक्ष्मण को कौन कौन से उपदेश दिए? नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे महाज्ञानी तथा प्रकांड विद्वान रावण ने लक्ष्मण को जीवन की कौन सी अमूल्य बातें बताई। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राक्षस राज रावण लंका का राजा और अपने 10 सिर होने के लिए दशानन के नाम से भी जाना जाता था। रावण ऋषि पुलत्स्य का पोत्र तथा विश्रवा ऋषि का बेटा था। ये लोग तो ब्राह्मण थे, परंतु रावण की माँ की थी राक्षस कुल की थी, इसी कारण रावण भी राक्षस कुल का कहलाया। रावण परम शिव भक्त, कृष्ण राजनीतिज्ञ, महाप्राक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित तथा महाज्ञानी था। जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था और भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था, तब श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण के पास जाओ, उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। यह बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्री राम की बात पर कुछ आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का पाठ मिलेगा, लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण कभी नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में श्वास ले रहा था और सिर के पास खड़ा लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द ना कहा। फिर निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम के पास लौट आए और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्री राम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन श्री राम की आज्ञा अनुसार उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। अब लक्ष्मण राक्षस राज रावण के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करे। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताई। प्रथम उपदेश जो रावण ने लक्ष्मण को बताया वह यह था कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हैं उतना टालना चाहिए, यानी शुभ से शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मैं भगवान श्री राम को पहचान नहीं सका और मैंने उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरा उपदेश, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वह और भी हैरान कर देने वाली थी। रावण ने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्री राम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने आगे कहा कि मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य
और वानर को तुच्छ समझता था और यही मेरी गलती थी। तीसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज हो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं यह नहीं बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये तीन बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाज्ञानी रावण की यह तीन बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।